Good morning, Kopukan. वो सुबह नट्टू काका का फोन, गांव में सब ठीक तो है ना? हाँ बोलिए नट्टू काका। जय हटकेश। हैं? मैंने कहा जय हटकेश। हाँ जय जय हटकेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बम भोले। अरे आपने क्या भेद धारण कर लिया है क्या? क्या? अरे गांव जाके क्या साधु बन गए क्या? क्या सेठ जी, मैं और साधु? नो वे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? अरे कब से आप हर हर महादेव बम बम भोले जो कर रहे? अच्छा अच्छा, इसलिए? हाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, क्या है कि मैं भोलेनाथ जी का नाम लेता हूँ ना, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। ना, नहीं नहीं, अच्छा है, बोलिए बोलिए, फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। क्या हो गया? मेरी चप्पल टूट गई। क्या? हाँ, कल झगला और भूरिया के बीच में लड़ाई हो गई, उनको छुड़ाने के चक्कर में मेरी चप्पल टूट गई। मतलब किस बात को लेके झगड़ा हुआ दोनों में? उनको झगड़ने के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मौका मिला नहीं कि एक दूसरे को सिंग मारना शुरू कर देते हैं। सिंग? हाँ, खाने की सिंग? अरे सेठ जी, खाने की नहीं। एक मिनट सेठ जी, I think there is some sort of misunderstanding. क्या? भूरिया और जगला दोनों बैल है। तो मतलब दो बैल झगड़ रहे थे, उन दोनों को आपने अलग किया? अरे नट्टू काका, अपनी उम्र तो देखो, अगर दो बकरी भी झगड़ रही हो तो उनके बीच में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, आप सीधा दो बैल के बीच में कूद पड़े। अगर उनके सिंग लग जाते हो आपको उछल देते तो? अरे सेठ जी, बैलों के मामले में आई एम वेरी वेटरनर। मतलब बैलों के मामले में मैं बहुत अनुभवी हूँ। अरे मुंबई आने से पहले मैं अपने उठाई गांव में बैलों के साथ ही रहता था। नट्टू काका, तभी आपकी उम्र क्या थी, अभी आपकी उम्र क्या है? सेठ जी, एज इज जस्ट ए नंबर। क्या? उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है सेठ जी, मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, तभी तो मैं भूरिया और जगला के बीच मांडवाली कर पाया। मैं ये सोचता कि अभी मेरी उम्र हो गई है, अभी ये कैसे है? अरे नट्टू काका, सुबह सुबह आपने कहे दो बैलों की कथा सुनाने फोन किया है। नहीं सेठ जी, मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आज भी रोज की तरह सवेरे सवेरे मैं लाखे ईश्वर महादेव के मंदिर गया था। वहाँ मंदिर में आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके मंत्र जाप कर रहा था, तभी अचानक एक जबरदस्त विचार मेरे मगज में आया। क्या? कि नट्टू बहुत हो गया, कोरोना केयर में बहुत आराम कर लिया बेटा, अभी उठो जागो और जल्दी पहुंच जाओ अपनी कर्म भूमि पर। तो सेठ जी, अगर आप ग्रीन सिग्नल दें तो मैं जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं नट्टू काका, अभी नहीं। अरे सेठ जी, मुझे आपकी, बागा की और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की बहुत याद आ रही है। अरे नट्टू काका, हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन अभी तक क्या है, यहाँ कोरोना का संकट पूरी तरह टला नहीं है। वैक्सीन तो आ गई है ना सेठ जी? आपने ले ली? अरे वो तो मैं मुंबई आके ले लूंगा ना। नहीं नहीं नट्टू काका, वो दवाई की दुकान से सर दर्द की गोली लेने जितना आसान नहीं है। सरकार ने कुछ नियम बनाया है, वो नियम के हिसाब से ही सबको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सेठ जी, नट्टू काका इतनी धीरज रखी है, थोड़ी और सही। अरे जान है तो जान है, और यकीन मानिए आपको गांव से मुंबई आने की है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे आपको गांव से मुंबई बुलाने की है। इसलिए जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भाई अभी परिस्थिति आपको मुंबई बुलाने लायक हो गई है, मैं तुरंत आपको मुंबई बुला लूंगा। ठीक है सेठ जी, और थैंक यू,
थैंक यू। हाँ सेठ जी, और महीने रेगुलरली मेरी पगार भेजने के लिए। अरे नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या, हो तो भेजना ही चाहिए। चलिए अपनी तबियत का ध्यान रखना और आनंद में रहना। अरे मैं तो हमेशा आनंद में ही रहता हूँ सेठ जी, आप हमेशा धंधे का टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अरे क्या करो नटू काका, ना चाहते हुए भी टेंशन लेना ही पड़ता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरी भोलेनाथ से बात हो गई है। मैंने उनको बोल दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे सेठ जी के धंधे पे बहुत असर पड़ा है और उगलानी भी बहुत बाकी है, तो जल्द से जल्द गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पहले की तरह फिर से दम दोकार चलने लगे और सारी उगलानी भी मिल जाए, ऐसा कुछ कीजिए। वाह वाह, थैंक यू नटू काका, वाह। अच्छा सेठ जी, वो भोगीलाल का पेमेंट आ गया? अरे नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं नटू काका, 50 लाख का पेमेंट बाकी है। हाँ मतलब कल सवेरे भोलेनाथ जी के मंदिर में जाऊंगा तब कहूंगा, हे भगवान बाकी सब फाइलें बाद में देखना, सबसे पहले भोगीलाल का आउटस्टैंडिंग क्लियर करो। बराबर सेठ जी? बराबर, बिल्कुल बराबर नटू काका। अच्छा फिर सेठ जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे नींद भी उड़ गई है और जागने का टाइम भी हो गया है, क्या करूं, नहाने जाऊं के 10-15 मिनट छोटी सी झपकी ले लूं? झपकी ले लेता हूं।